नमस्कार, मैं वर्षा अग्रवाल संवाद इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपकी खास मुलाकात कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री एस के बग्गा जी से कराने जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका पॉलिटिकल जो करियर है सर, वो कैसे स्टार्ट हुआ सर? आप किस तरह से पॉलिटिक्स में आए सर? सर देखिए, 1975 से मैं राजनीति में हूँ। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दो हुआ करती थी पार्टी, तो मैं कांग्रेस से बिलोंग करता था पहले। 1975 से हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, और एडवोकेट हुए हैं, एडवोकेट सर्कल में भी। तो 2015 में आम आदमी पार्टी का इलेक्शन हुआ एमएलए का, तो मेरे को चुना गया। उसमें 2015 में किसी विधानसभा से मैं इलेक्शन जीता हूँ। मेरे सामने किरण बेदी थी उस समय, जो पुलिस कमिश्नर की दावेदार थी, तो उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। सभी वकीलों ने साथ दिया मेरा। तो मैं राजनीति में 1975 से हूँ राजनीति में, और 2015 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की मैंने। ओके सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो पब्लिक है वो आपके पास किस तरह के मुद्दे लेके आते हैं सर? उनकी क्या परेशानियाँ होती हैं सर? सर देखिएगा, जो लोकल मुद्दे हैं, पानी के, सीवर के, बिजली के, एजुकेशन के, बच्चों के एडमिशन के, उसके बाद आपका बीएससी के बिलों का, पानी के बिलों का, सभी समस्याएं लोग लेकर आते हैं। यहाँ पर पूरा स्टाफ है, हमारे कार्यकर्ता उसको सॉल्व करते हैं। मीटिंग भी हम लोग करते रहते हैं, मंत्रियों से मीटिंग होती रहती है, हमारे सीएम से भी होती रहती है। तो जो जो समस्या जिस लेवल की होती है उसको हम सॉल्व आउट करते हैं। ओके, तो सर जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि आपने अपने क्षेत्र में जो प्राइमरी एजुकेशन है सर और K-12 एजुकेशन है सर, उसके लिए आपने क्या स्टेप्स लिए सर? सर देखिएगा, ये कॉमन दिल्ली सरकार ने स्टेप लिए सारे। पूरी दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था देखिए आप कितनी सुधरी है। लोग उदाहरण देते हैं दिल्ली के स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल फेल हो चुके हैं उसके सामने। प्राइमरी में देखिए आप, और एजुकेशन हायर सेकेंडरी में देखिए, 12th तक देखिएगा। आज छुट्टियाँ चल रही हैं लेकिन तभी क्लासेस चल रही हैं। मैं भी स्कूल से होकर आ रहा हूँ, डेली जाता हूँ स्कूलों में, SMC की मीटिंग होती है, पेरेंट्स से मिलते हैं हम लोग। पेरेंट्स इतने खुश हैं, बच्चों को किताबें, कापियाँ, मिड डे मील, कच्चा राशन भी बांटते हैं हम लोग। तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार ने किया एजुकेशन के लिए, वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है दिल्ली की एजुकेशन के ऊपर, और मैं धन्यवाद करूँगा मेरी सिसोदिया जी का, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एंड डिप्टी CM है, और अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने 24% बजट एजुकेशन में दिया दिल्ली को। हर बार 24% बजट का देना मैंने रखता है। तो सर इस बजट को फिर आप किस तरह से यूज़ करते हैं सर? देखिए, स्कूलों में SMC है, उनको फंड देते हैं, स्कूलों में पैसा लगता है, टीचर्स के डेवलपमेंट पे, बच्चों के डेवलपमेंट पे, खाने में कई हेड है जो पैसा पूरे का पूरा इस्तेमाल होता है। हम लोग चेक भी करते रहते हैं SMC के थ्रू, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी ऑडिट होता है एक्सपेंडिचर का, उसको लोग वेरीफाई करते हैं। SMC के मेंबर्स को पावर दे रखी है कि कोई भी खर्चा होगा उसको वेरीफाई करेंगे और साइन करेंगे, तभी खर्चा पास होगा। सर जैसे आपने बताया कि ये जो आप फंड्स होते हैं इनको यूज़ करते हैं, बल्कि आप उनको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट के क्या पैरामीटर्स आप यूज़ करते हैं सर? पैरामीटर एक तो क्वालिटी, क्वालिटी पूरी हो, और पेमेंट ठीक जगह पे जाए। उसके टेंडर वेंडर होते हैं, इसके कुछ जगह टेंडर भी होते हैं, कुछ जगह ये ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो उसमें कंपटीशन होता है कि जो कम रेट पे देगा माल उसी से लेंगे माल। तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम अपने भी MLA फंड को यूज़ करते हैं, पब्लिक फंड के लिए यूज़ करते हैं, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए कि और लोगों से सस्ता माल हो, तो तभी उसको हम ये कार्य अलाउड करते हैं। सर जैसे ना पहले के टाइम में गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के स्टैंडर्ड्स में बहुत डिफरेंस होता था सर, स्टेटस वाइज भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सर, जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड्स को लेके, तो आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया है सर इस क्षेत्र के उसके अंदर? सर देखिएगा, अब ये परिभाषा बदल गई है। पहले लोग कहते थे प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से अच्छे हैं, आज परिभाषा बदल चुकी है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं। आप डेस्क देखिए, टीचर देखिए, बच्चों को स्कूल में बैठे देखिए कैसे वो लोग पढ़ते हैं बच्चे। तो आज इतनी फीसें लेते हैं प्राइवेट स्कूल, कम से कम 3.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से ट्रांसफर होकर सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि और जगह स्कूल बनाएं जिससे बच्चों को चांस मिले पढ़ने का, क्योंकि तो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बच्चे भविष्य है देश का। बच्चों को अगर पढ़ाई होगी, नॉलेज इज पावर, पढ़ाई करेंगे तो अपना वो फ्यूचर देख पाएंगे। अगर अनपढ़ रहेंगे तो क्या वो सोचेंगे, क्या देश के बारे में सोचेंगे। तो इसके ऊपर सरकार ने कार्य किया है। मेरे यहाँ पर 19 स्कूल है मेरे अंडर, सभी स्कूलों में एक से एक जाकर देखिए सुविधा प्रदान की हम लोगों ने। कैमरे तक लगे हुए, हर कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। माता पिता भी घर बैठे देख सकते हैं बच्चा मेरा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, टीचर आया नहीं आया। ऐसी फैसिलिटी प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है जो हमें सरकारी स्कूलों में दी है। सर, हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आज की डेट में जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो आपने जो फैसिलिटीज़ की बात करी, तो वो क्या पर्टिकुलर क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में आज की डेट में देखिए। सबसे बड़ा एटमोसफेयर, बच्चा जो पढ़ता है जी, डेस्क बैठने की होनी चाहिए, जगह खुली होनी चाहिए, टीचर टाइम पर आने चाहिए, स्कूल के अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चों को हम खाना देते हैं, मिड डे मील देते हैं, बुक्स देते हैं और वर्दी के लिए पैसे भी देते हैं और कच्चा राशन भी देते हैं। अभी मैं स्कूल में कच्चा राशन बांट के आया हूँ। तो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को। मतलब एसएमसी के लोग बच्चों को घरों जा रहे हैं, जो बच्चे नहीं आते रेगुलर, अगर डिफॉल्टर हैं, एबसेंट हैं, उनको घर से लेके आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। तो ऐसा मैंने आज तक, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो ऐसा हमने नहीं देखा बिल्कुल जो आजकल सरकारी स्कूलों में हो रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सरकारी स्कूलों को और दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूँ। ओके सर, जो जैसे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट्स में भी कुछ परसेंटेज का डिफरेंस हुआ करता था सर, तो आपने इसके क्षेत्र में क्या किया सर कि गवर्नमेंट स्कूल में परसेंटेज को लेके रिजल्ट जो निकल रहे हैं सर? देखिए मैडम, ऐसा 100% रिजल्ट आ रहे हैं मेरे स्कूलों में, 95 से लेकर 100% का रिजल्ट है। बच्चे इतने खुश हैं, एक्स्ट्रा क्लासेज चल रही हैं, आज 1 से लेकर 15 तक छुट्टियाँ चल रही हैं दिल्ली में। तो लेकिन 9 से लेकर 12 तक बच्चों को बुलाया जा रहा है, बोर्ड के जिनके एग्ज़ाम है, तो उनका नुकसान ना हो, बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। क्लासेस चल रही है पूरी, तो उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है बोर्ड के बच्चों के लिए। तो ये सरकार का अरेंजमेंट है कि बच्चों का ध्यान रखना, कि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। सर, जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हाइजीन को भी लेके रहता है सर, तो क्या पर्सनली कभी आप लोगों ने मतलब कि विजिट किया है कि आपकी कोई टीम है जो कि ये भी फैक्टर्स को चेक करती है सर कि क्रॉस वेरीफाई करती है? देखिएगा कि मैं शायद कोई दिन खाली जाता हूँ जिस दिन स्कूल नहीं जाता जी। एसएमसी की मीटिंग होती रहती है, उनकी ड्यूटी एसएमसी की मीटिंग की कि स्कूल में चेक करें, कोई भी दिक्कत आए, किसी किस्म का कोई कहीं पर उनको डेफिशिएंसी नज़र आए उसको पॉइंट आउट करें। मीटिंग होती है हर महीने में, 2 मीटिंग कंपल्सरी एसएमसी की। एसएमसी पेरेंट्स से ही बनती है, बाई इलेक्शन होता है ये, जिसमें मेरे MLA रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। तो मैं टोटल कोई मीटिंग मैंने 7 साल में मिस नहीं की, ना करूँगा, क्योंकि जब हमारा सरकार का विज़न है कि बच्चों को पढ़ाना। डिप्टी CM खुद स्कूलों में घूमते हैं, सारे हमारे विधायक घूमते हैं, CM साहब घूमते हैं, मैं भी जाता हूँ। कोई दिन खाली जाता हूँ जिसमें मैं स्कूल ना जाऊँ, तो बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, शिकायतें पूछता हूँ, लेकिन सभी अप्रिशिएट करते हैं, माता पिता भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ऐसे स्कूल आज तक हमने देखे नहीं है। सर, ये तो प्राइमरी और K-12 एजुकेशन की बात है सर, तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं सर अपने क्षेत्र में? हायर एजुकेशन देखिए 12th तक का जो हम लोग देख रहे हैं, बच्चों को भविष्य के लिए ऐसे ऐसे कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिससे कल को अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। ऐसे कोर्स दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं कि बच्चों को पढ़ने के बाद कहीं पर जाना ना पड़े, बल्कि बजाय एम्प्लॉयमेंट लेने के एम्प्लॉयमेंट दें। ऐसा विजन है हमारा, पेपर पढ़ते होंगे आप, टीवी में देखा होगा, हर स्कूल में हमने बच्चों को पैसे दिए हैं बिजनेस करने के लिए, छोटा छोटा बिजनेस करें, उससे ग्रोथ बढ़ेगी, उनका एक बिजनेस करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ये चीज़ें पहली बार मैं देख रहा हूँ और बहुत कामयाब हुए हैं। बच्चों को पैसे दिए हम लोगों ने, बच्चों ने उस पैसे को बढ़ाया है, कैपिटल बढ़ाई है। पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे पढ़े लिखे, माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो माता पिता बोझ ना बने, इसलिए ऐसे कोर्स शुरू किए हमने। सर, ये तो हमारी एजुकेशन की बात है सर, इसके साथ साथ एक बहुत ही जो अहम मुद्दा मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी वो है सर हेल्थ का। सर कि आपने अपने क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किए हैं सर? देखिए मेरे क्षेत्र में 2 मोहल्ला क्लिनिक हैं, एक हॉस्पिटल है चाचा नेहरू जिसका मैं चेयरमैन हूँ, एक हॉस्पिटल है हेडगढ़ जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और DDC इसका भी मैं चेयरमैन हूँ, जहाँ पर 22-23 डिपार्टमेंट मेरे आते हैं। तो बड़ा अच्छा चल रहा है हेल्थ में, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं हम लोग, टेस्टिंग फ्री हो रही है और कई इतनी रश है हॉस्पिटलों में, कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे पास। कल भी अभी चाचा नेहरू में विजिट करके आया हूँ, वहाँ का स्टाफ, एमएस, डायरेक्टर मैडम सारे इतने बढ़िया हैं, पेशेंट इतने खुश हैं। दिल्ली से बाहर के लोग इतने आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, उनका भी इलाज करते हैं हम लोग। मेडिसिन फ्री है, रहने की सुविधा उनको शेड पर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में, खासकर मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, दो मतलब क्लिनिक अभी और दो खुलने वाले हैं। चाचा नेहरू की बिल्डिंग 500 बेड की बन रही है, तैयार होने वाली थोड़े दिनों में, उसका मुहूर्त करेंगे हम। तो हेल्थ में क्षेत्र में भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेडिसिन मिल रही है लोगों को, टेस्ट हो रहे हैं फ्री, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को। सर जैसे कि आपने बताया कि मेडिसिन मिल रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, तो सर ये जो टेस्ट होते हैं तो इसमें जो माइनर डिसीज होती है वो कवर अप होती है या जो जो मेजर डिसीजेस होती है वो भी कवर अप होती है? दोनों कवर अप होती है। जब पेशेंट दाखिल होगा उसके टेस्ट सारे हॉस्पिटल में फ्री होंगे। तो हॉस्पिटल में मशीन नहीं है तो प्राइवेट होगा, उसका खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट करेगी, उसमें कोई उसके ऊपर बर्डन नहीं है। कि एक हमने जैसे स्कीमें चलाई हैं आपने, तो एक्सीडेंटल स्कीम है तो उसमें अनलिमिटेड खर्चा करती है गवर्नमेंट। किसी का बाई चांस सड़क पर एक्सीडेंट हो तो उसके लिए कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी बेचारे को। एफआईआर जैसे 100 नंबर में फ़ोन करेगा कोई, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप लेके जाइए, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट करेगी। उसको बोलते हैं फरिश्ते स्कीम। सर जैसे आपने मोहल्ला क्लिनिक के लिए बताया कि टेस्ट फ्री हो गए हैं सर, मेडिसिन मिल रही हैं, जो पेशेंट्स आते हैं सर, अगर नहीं हो पाता है तो बाहर से वो सब अरेंजमेंट्स होते हैं सर? मैडम उसको डिमांड है, जितने भी पेशेंट हैं वहाँ पर मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर बैठते हैं, उनका स्टाफ बैठता है, पूरा लैब बनी हुई है, तो उसमें लिमिट नहीं है। मान लीजिए 500 लोग आएंगे तो 500 वापस नहीं भेजेंगे हम, उस हिसाब से उनका अरेंजमेंट करेंगे। कोई दिक्कत किसी किस्म की कोई सीढ़ी नहीं है कि हमने 100 लोग ही देखने हैं। जितने भी आए मोस्ट वेलकम, उनके लिए हम लोग बैठे हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल तैयार है उसके लिए, मेडिसिन के लिए, डॉक्टर के लिए। कोई किसी किस्म अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, किसी कंप्लेंट की कि मेरे को दवाई नहीं मिली है, मेरे को डॉक्टर ने देखा नहीं है। अभी तक मैंने 7 साल में कोई कंप्लेंट सुनी नहीं है। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब जैसे मोहल्ला क्लिनिक है तो इसके अंदर जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग मतलब कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं सर? बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं या फिर इंटरनली आप लोगों का कुछ प्लान्स होते हैं? सर मोहल्ला क्लिनिक वालों को पावर नहीं है, ये ऊपर से इनका सिस्टम बनता है। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होती है, एमएस होते हैं, इसमें जो भी सीएम होते हैं, तो अपॉइंटमेंट ऊपर से होते हैं। वहाँ पर ड्यूटी लगाते हैं, कितना स्टाफ चाहिए उनको, रिक्वेशन भेजते हैं, कितना हेल्पर चाहिए, इतने डॉक्टर चाहिए, इतने स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ चाहिए। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ पूरा करते हैं हम उनको। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अभी तक कहीं दिक्कत नहीं आई कि मिला के लिए किसी ने ये कहा कि डॉक्टर नहीं मिला मेरे को, ये टेस्ट नहीं हुआ, ऐसा कभी सडन नहीं। अगर कोई छुट्टी में हो तो बात लगा, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं अभी तक। तो सर जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपका जैसे लाइट, पानी है, ये एक्सपेंसेस हैं, इनके लिए जो फंड्स होते हैं उनका आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं सर? गवर्नमेंट करती है उसको, गवर्नमेंट के थ्रू पेमेंट जाती है। जैसे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, बिजली के बिल हैं, टेलीफोन हैं, मोबाइल्स के हैं, जो भी सैलरी है सब गवर्नमेंट पे करती है, दिल्ली सरकार पे करती है। तो ये सर फंड सफिशिएंट होते हैं सर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं सर इनको मैनेज करने में? अभी तक प्रॉब्लम आई नहीं, दिल्ली सरकार ने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरे पास फंड की शॉर्टेज है। जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं पूरी दे रहे हैं, और कभी आज तक ऐसा नहीं कहा किसी मंत्री ने भी या किसी विधायक ने भी मेरे पास फंड नहीं है, ऐसा आज तक सुना नहीं है मैंने, ना सुनने को मिलेगा। सर अभी जब हम स्कूल के बारे में आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप पर्सनली स्कूल्स में विजिट करते हैं सर, कि वहाँ पे कैसा मैनेजमेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो क्या ये मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी आपकी कोई ऐसी टीम है जिस जहाँ पे आप जाके पर्सनली विजिट करते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं पैरामीटर्स को? कार्यकर्ताओं की टीम बनी, मैं खुद भी जाता हूँ कार्यकर्ताओं को लेकर, ड्यूटी भी लगा रखी है, मेडिसिन चेक करते हैं, उसकी ड्यू डेट निकल ना जाए और ऐसी मेडिसिन ना दी जाए जैसे कि ड्यू डेट के बाद की हो, वो भी चेक होती है। पेशेंट से मिलते हैं, मैं मिलता हूँ, पूछता हूँ उनसे क्या उनको दिक्कत तो नहीं है। जहाँ भी गया हूँ मैं अपने मोहल्ला क्लिनिक में, ये कंप्लेंट बिल्कुल नहीं मिली, लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि टाइम से डॉक्टर आता है, टाइम से दवाई मिलती है। ओके सर पेंशन व्यवस्था के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? पेंशन, विडो पेंशन चल रही है, ओल्ड एज पेंशन चल रही है और हैंडीकैप पेंशन, 3 पेंशन चल रही है हमारे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओल्ड एज की पेंशन थोड़ी सी रुकी हुई है, वो भी नहीं अलाउट करेंगे हम, तो शायद लगता है मैं इसी मंथ में शायद स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। मंत्री जब चेंज हुए, राजकुमार रंजी ने चार्ज लिया है, तो मेरी लास्ट वीक बात हुई थी मंत्री जी से, तो हम इस महीने में शायद शुरू करने वाले हैं जो पेंडिंग रह गई है हमारी बैंक से जी। तो सर आपके जो क्षेत्र है उसमें आप किन किन लोगों को पेंशन प्रोवाइड करवा रहे हैं सर? अभी पेंशन देखिए, एक तो 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ जी, एक जो विडोज है और एक दूसरा हैंडीकैप्ड है, 3 किस्म की पेंशन हम दिला रहे हैं। जो निजी लोग आते हैं मेरे पास, फॉर्म की जरूरत नहीं, ऑनलाइन भरना होता है उन्होंने, तो ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ से भी भरते हैं, स्टाफ बैठा हुआ मेरा, लोग अपने मोबाइल से भी कर लेते हैं। तो मैं डीडीसी का चेयरमैन हूँ, मीटिंग होती रहती है वहाँ पर, सब अफसर आते हैं, वहाँ रिपोर्ट भी लेता हूँ उनसे कि कितने केस पेंडिंग है, पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, व्हाट इज द रीज़न, तो विद रीज़न वो रिपोर्ट फाइल करते हैं। अभी बीच में ना सर पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सर एमसीडी की पेंशन को लेके कि पेंशन नहीं आ रही है सर, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन सर, विडोज, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? एमसीडी हमारे अंडर नहीं थी पहले, अब एमसीडी अंडर हमारे, कल उसका आप देखेंगे मेयर का चुनाव है, तो उसके बाद इसको ठीक करेंगे। एमसीडी हम जब लोग गवर्नमेंट बन गई हमारी, तो जो प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार कर रही है वो वहाँ भी हम करेंगे, लोगों को पेंशन देंगे, रुकी पेंशन देंगे सबको। सर आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने अपने क्षेत्र में कितनी जॉब्स क्रिएट करी हैं सर? मैंने जॉब देखी है, तो एक सिस्टम है जॉब्स का, ऑनलाइन लोग बच्चे भरते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, तो वो एक विधायक के हाथ में नहीं है कि जॉब भरना, विधायक के पास इंटीमेशन भी नहीं आती है, तो जो बच्चे क्वालिफाइड हैं वो खुद गूगल में, naukri.com में देखकर नौकरी के लिए भरते हैं, आवेदन करते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद टेस्ट होते हैं, जो भी प्रोसीजर गवर्नमेंट का है। इसमें कोई ऐसी डिटेल किसी के पास नहीं होगी कि कितने लोग हमने लगाए, तो उसमें प्राइवेट एक्सचेंज के थ्रू भी लगते हैं, तो जहाँ जहाँ लोग प्राइवेट वैकेंसी भी निकलती हैं, तो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बच्चे उसमें भरते हैं और सेलेक्ट होते हैं। रोजगार बजट पास हुआ था 75,800 CR का सर, तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि 20 लाख जो प्रोवाइड करवाई जाएंगी सर, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं देखिएगा, दिल्ली सरकार कोई भी रोजगार निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइलें जाती है, LG के पास जाती है फाइलें सारी, तो LG आपको पता मतलब किस स्टेटस से बैठा है या गवर्नमेंट कितनी दुखी है, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि पब्लिक बहुत दुखी है। एक सर न्यू लीकर पॉलिसी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, अपना कोई ओपिनियन देना चाहेंगे सर? न्यू लीकर पॉलिसी देखिए अभी चेंज की है दिल्ली सरकार ने, कोई ऐसा लोग उसमें कंप्लेंट आई नहीं है, सरकारी ठेके खोले हमने, तो अगर नहीं खोलेंगे तो लोग जिसने पीनी है शराब उसने पीनी पीनी है, तो नई पॉलिसी में कोई ऐसी डिफेक्ट नहीं है, लोगों ने अप्रिशिएट कर किया इसको, बजाय प्राइवेट ठेके खोले सरकारी ठेके खोले हमने, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं आई हमारे पास किसी किस्म की। जो घरों में दुकानें खोली थी पहले वो सारी हमने बंद कर दी है, पब्लिक की कंप्लेंट आई थी हमारे पास, घर के बाहर खोल दी, स्कूल के पास खोल दी, वो सारी बंद कर दी है, अब सरकारी ठेके चल रहे जितने भी हैं। सर अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि जो लीगल शॉप्स थी वो जगह जगह पे बन गई थी, जैसा आपने अभी बताया, तो आपके पास क्या कंप्लेंट्स आ रही थी सर? उसको कंप्लेंट ये थी कि वहाँ से लेडीज गुजरती हैं, लोग टाउट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वो कंप्लेंट देखते हुए मंत्री जी ने भी डिसीजन लिया, CM साहब ने भी, सारी दुकानें बंद की हमने। जैसे आप आपके कार्यकर्ता हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था कि कम छोटी छोटी जगह पे ये लीगल शॉप्स ओपन करने का, तो क्या ये डिसीजन सही था सर? मैंने देखिए डिसीजन टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू चॉइस बदलते रहते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो बदलते रहेंगे, जैसे जरूरत होगी वैसे उसके हिसाब से चलेंगे। आपके यहाँ पे जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है सर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है सर, तो वो लोग अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर? मैडम देखिए RWA जितनी मेरे यहाँ पे हैं उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास आते हैं लोग, मैं मीटिंग में जाता हूँ, उनकी समस्याएं हल करते हैं। मेन उनकी है कि सोशल है, पानी की है, सीवर की है, रोड्स की है, कैमराज की है, तो ये सभी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ मैं। आपके पास जो पब्लिक आती है, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग आते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? आपको उनको उनके जो मुद्दे लेके वो आते हैं आपके पास, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन प्रॉब्लम को? ऑफिस 8:30 बजे खुलता है, सुबह 8:30 9:00 में आता हूँ खुद यहाँ पे, 12-1 बजे तक बैठता हूँ, उसके बाद पब्लिक एरिया में जाता हूँ मैं। RWA के जो एक डिसाइड कर रखा है मैंने, ब्लॉक बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ जाकर भी शिकायतें लेता हूँ, उनकी सुनता हूँ और राउंड भी रखता हूँ अफसरों को लेकर, कोई कमी पेशी हो तो उनको हम लोग रिजॉल्व करते हैं। राइटिंग में कंप्लेंट भी आती है, मेरे पास मेल भी आती हैं, तो कंप्लेंट टेलीफोन पर भी आती हैं, तो उन सबको मिलकर सॉल्व करते हैं। जो अभी सर लोकसभा के अपकमिंग इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 और 2025 में, तो उसके बारे में आप अपना क्या ओपिनियन देना चाहेंगे या आप कुछ बताना चाहेंगे, आपने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं सर उसके लिए? देखिए एमपी का इलेक्शन जो है देश का इलेक्शन है, वो एक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, तो उसमें पार्टी का जो विजन होगा अभी कुछ टाइम बाद ये लोग कैंडिडेट भी डिसाइड करेंगे अपना। और हमारे जो कार्य किए एरिए में लोग अप्रिशिएट करके आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। सर आम आदमी पार्टी बहुत ही तेज़ी से उभरने वाला एक वो था, तो हम जानना चाहेंगे कि जो आम आदमी पार्टी है, तो अभी जो 2024 के इलेक्शंस हुए हैं, सॉरी 2022 के जो इलेक्शंस हुए हैं 4 दिसंबर को, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने ऐसे क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए सर जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी उभर गई सर? उसकी विजय के क्या रीज़न रहे सर? देखिएगा 2015 से इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं, लोगों ने कार्य के ऊपर वोट दिया है। दूसरी बार तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने अरविंद केजरीवाल जी, तो एक बेस बन जाती है। जब आप कार्य करते हैं, कोई भी बच्चा अगर स्कूल पूरा साल नहीं जाएगा तो फेल होगा, जो पूरा साल पढ़ेगा क्लासेस अटेंड करेगा तो वो फर्स्ट आएगा। तो पब्लिक ने फर्स्ट दिया, हमारे को फर्स्ट नंबर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने काम किए हैं, जो वादे किए हैं पूरे किए हैं। पानी का, बिजली का, बिजली 200 यूनिट फ्री मिली, पानी माफ़ किया हम लोगों ने, महिलाओं के लिए बसें फ्री की, हॉस्पिटल फ्री किए, स्कूल फ्री किए, राशन फ्री बांटा। तो ये चीज़ें जो सब काउंट करती हैं, पब्लिक सब जानती है कि कौन सी सरकार कार्य कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। सर आपने ऐसे बताया, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आप भी अपने, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं तो आप अपने लिए बिल्कुल श्योर हैं कि आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। ये आपका एक कॉन्फिडेंस ही है सर। सर एक मुद्दा आपसे और डिस्कस करना चाहूँगी कि जो कोरोना आया सर, जो कोरोना अभी आया और उस टाइम पे जो लोग कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हो गई सर, जो डेड हो गए, तो उनकी फैमिलीज को क्या कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया सर? एक तो पेंशन का प्रोविजन था, पेंशन लगाई हमने। दूसरा 1 लाख रुपया उनको गवर्नमेंट ने दिया, 50,000 को 2 चेक दिए। जितने भी केस आए मेरे पास, कोई एक आज की डेट में केस पेंडिंग नहीं है। पेंशन का, बच्चों की पेंशन, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और उनको कैश, और उसके बाद बच्चों की शादी के लिए प्रोविजन किया है। दिल्ली में कैसा सिस्टम था, शायद मैं और स्टेटों में पेपर पढ़ता था, लेकिन ऐसा जो दिल्ली सरकार ने किया किसी ने भी नहीं किया, ना उम्मीद कर पाएगा कोई। सर आप जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उनका पर्सनल मामला है, वो क्या चाहेंगे कैसे करेंगे, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी के विजन को बता सकता हूँ। हम लोग कल जो एक मैडम के साथ अत्याचार हुआ है उसके लिए हमने कल कैंडल मार्च किया है दिल्ली में जंतर मंतर पे। तो मैं अपनी पार्टी की पॉलिसी बता सकता हूँ, दूसरी पार्टी की पॉलिसी उनकी क्या रीज़न है, उसके पीछे क्यों कर रहे हैं, वो क्या उनकी वजह है, उसके बारे में आई कांट से। सर आप जो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें जनता को कोई अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि जिसने काम किया उसको वोट करें, और जो सरकार कार्य कर रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, उनके विधायक कार्य कर रहे हैं, कोई भी शिकायत हो उसके लिए हम 24 घंटे तैयार बैठे हैं। इंस्ट्रक्शन है सीएम साहब की कि कोई भी विधायक बिना ऐसा कंप्लेंट को टच नहीं रखेगा, उसको सॉल्व करेगा। वो दिक्कत हो तो कहते मेरे को बताइए, खुद इंटरेस्ट लेते हैं, 1-to-1 विधायक के साथ करते हैं। ऐसा मैंने सीएम देखना नहीं है, मैं भी कांग्रेस में भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने सिस्टम नहीं देखा कि हर चीज़ की उनको खबर है, हर चीज़ का उनको नॉलेज है कि मेरे विधायक क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, पूरी रिपोर्ट लेते हैं वो पूरी विधायक की। सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।